वंदाता बीचा मारिया प्रणाम करते अपने को देखा प्रभु अपना साहस पाके जाए अपनीरा और सनातन देव की देखते रहे धन्य हो परमेश्वर धन्य पुत्र सबको जय मसीह की। आशा करते हैं कि आप सुरक्षित होंगे अपने घरों में और प्रार्थना में अपना समय बिता रहे होंगे और खुदा के अनुग्रह से सब कुछ अच्छा होगा, हम आशा करते हैं और हम प्रार्थना भी करते हैं। तो आइए आज के इस आराधना के समय को हम शुरू करते हैं और आइए हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं राजा परमेश्वर, पिता प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें, हमारे पूरे कलिसिया परिवार को सुरक्षित रखा। पिता प्रभु जी, सबसे पहले हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने, पिता प्रभु जी, हमें अपना उद्धार दिया। पिता परमेश्वर, प्रभु जी, हमारे जीवन से, पिता परमेश्वर, हमने आपको नहीं चुना, यीशु मसीह, आपने हमें चुना है। हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। पिता, इस प्रार्थना के, इस आराधना के समय को परमेश्वर प्रभु जी आपके हाथों में सौंप देते हैं। प्रभु, अभी से आपकी उपस्थिति को मांग लेते हैं। इस पूरे समय में परमेश्वर, हम लोग परमेश्वर एक छत के नीचे नहीं हैं परमेश्वर, लेकिन हम आत्मिक रीति से एक होके आपके पास, आपके करीब आते हैं पिता परमेश्वर, और हम आपको स्वागत करते हैं। आपका स्वागत हम इस आराधना के समय में करते हैं। पिता प्रभु जी, हमारी सारी आराधना के, प्रार्थना के योग्य सिर्फ आप हैं मेरे यहोवा परमेश्वर। इस आराधना को, इस प्रार्थना को, इस प्रेयर के समय को यीशु मसीह हम आपको चढ़ाते हैं। पिता प्रभु जी, आप सिर्फ इसके योग्य हैं यीशु मसीह। हम सब लोग एक मन होकर आपके पास आते हैं और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। प्रकाशित वाक्य एक और उसका सातवां अध्याय कहता है कि यीशु मसीह बादलों पर जल्द ही आने वाले हैं और ये जो समय है हमारा इस पृथ्वी पर, ये सिर्फ एक सफर है, लेकिन हमारा जो आशा है वो सिर्फ यीशु मसीह पर है जो कि आने वाला है। तो आइए हम सब लोग मिलकर इस गीत को गाते हैं, देखो देखो कोई आ रहा है। बजते हैं तू
दूत गाते हैं, बज बजते हैं, दूत गाते हैं, क्योंकि दूल्हा चला रहा, क्योंकि दूल्हा चला रहा, देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीहा आ रहा है, आगे अपनी उठा कर तो देखो कैसी शान से सूरज चांद न कोई, अब तो मुर्दे पड़े हैं न कोई, वहाँ सूरज चांद न कोई, अब तो मुर्दे पड़े हैं न कोई, हम सब डरते हैं और कांपते हैं, हम सब डरते हैं और कांपते हैं, नया घर में मसीहा कैसा जलवा मसीहा रहा, आंखें अपनी उठा कर तो देखो कैसी शान से मसीहा रहा, ये दुनिया हमारी मिटेगी, एक नई दुनिया फिर से बनेगी, ये दुनिया हमारी मिटेगी, एक नई दुनिया फिर से बनेगी, सब नया होगा जग नया होगा, सब नया होगा जग नया होगा, राज करने मसीहा रहा, राज करने मसीहा रहा, देखो देखो कैसा जलवा मसीहा आ रहा है, आंखें अपनी उठा कर तो देखो कैसी शान से मसीहा, अब नहीं है वो कांटों का सहरा, वो तो पहने है दूल्हे का सहरा, अब नहीं है वो कांटों का सहरा, वो तो पहने है दूल्हे का सहरा, जिंदगी जब तलक कैसी प्यारी दुल्हन, जिंदगी जब तलक कैसी प्यारी दुल्हन, जिसको लेने मसीहा रहा, हाँ जिसको लेने मसीहा रहा, देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीहा रहा, आंखें अपनी उठा कर तो कैसी शान से मसीहा रहा, देखो 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 कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीहा रहा, आंखें अपनी उठा कर तो देखो कैसी शान से मसीहा रहा। सब लोग एक बार इस चीज को सोच कर देखें कि यीशु मसीह जब आएंगे, जब इस दुनिया पे राज करेंगे, तो वो समय कैसा होगा, हम लोग शायद सोच भी नहीं सकते, सिर्फ हम इस वक्त उसको इमेजिन करके देखें हम लोग कि वो कैसा समय होगा जब जो इस संसार का मालिक है वो आएगा और हम उसे जानते हैं, उसने हमें चुना है। तो ये आनंद से भरे हुए गीतों को आइए हम आगे गाते हैं। अगला गीत है आनंद है तेरे चरणों में।
भंडार धरती का सारा अधिकार तेरा है, न्याय सारी दुनिया का तेरे ही द्वारा होना है, तेरे ही द्वारा होना है। यीशु मसीह तेरे जैसा कोई हमने कभी भी देखा नहीं, तू जो नहीं तो कुछ भी नहीं, तू ही मेरा सब कुछ है, तू ही मेरा सब कुछ है। बादलों पर आएगा सारा के घर भूले जाएगा, यीशु मसीह तेरे जैसा कोई हमने कभी भी देखा नहीं, तू जो नहीं तो कुछ भी नहीं, तू ही मेरा सब कुछ है, तू ही मेरा सब। यीशु मसीह तेरे जैसा कोई हमने कभी भी देखा नहीं, तू जो नहीं तो कुछ भी नहीं, तू ही मेरा सब कुछ है, तू ही मेरा सब कुछ है, तू ही मेरा सब। पिता, हम सब इस बात को आपके सामने अंगीकार करते हैं कि आप हमारे सब कुछ हैं प्रभु, लेकिन हम में से बहुत होंगे, हम भी हो सकते हैं प्रभु, जिन्होंने आपको अपना सब कुछ नहीं माना प्रभु, केवल आपको आपका एक प्रभु किनारा दिया हुआ है, लेकिन अपने अपने जीवन को खुद अपनी मर्जी से हम चलाते हैं बहुत बार। पिता, होने दे कि सचमुच तू हमारा सब कुछ हो जाए प्रभु, होने दे कि सचमुच लोग और हम सब पिता आपको अपनी आंखों के सामने रख कर जिए प्रभु, हम इस एहसास में जिए कि आप राजा हैं हम नहीं प्रभु, हम इस एहसास में जिए कि हमारा भविष्य आपके हाथों में है, हमारी योजनाएं कुछ नहीं प्रभु। प्रभु, होने दे कि हमारी कलीसिया में, सत्संग में एक नयापन लोगों के जीवन में आ जाए, और प्रभु जहां शैतान ने अपना काम किया है प्रभु, आप वहां पे छुटकारा लेकर आए परमेश्वर, आप हमें आजादी दें, और प्रभु सचमुच आप अपनी आनंद और शांति प्रभु अपने लोगों को दीजिए, हम दुआ करते हैं प्रभु। सचमुच आप हमारे सब कुछ हैं पिता परमेश्वर, आपके पवित्र आत्मा के अनुसार हमारी जिंदगी को चलाइए प्रभु, आपकी मर्जी हमारी जिंदगी में पूरा करें, आपकी इच्छा पूरी हो जाए परमेश्वर। प्रभु, हमें अपने करीब लेकर के आए, हम दुआ करते हैं, हम पर दया करें, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम में। प्रभु जी, आपकी आराधना ही हमारे लिए सब कुछ है, आपकी प्रार्थना ही हमारे लिए सब कुछ है, और हमारी प्रार्थना, हमारी आराधना आपके लिए एक ग्रहण योग्य बलिदान होने पाए पिता परमेश्वर। खुदावंद परमेश्वर, इस वक्त हम अपने आप को शून्य करते हुए आपके सामने आते हैं खुदावंद राजा यीशु मसीह, हम कुछ नहीं है पिता परमेश्वर आपके सामने। पिता प्रभु जी, हम यीशु मसीह अपने आप को शून्य करते हैं, हम आपके सामने कुछ नहीं है, लेकिन आपने हमें अपने बेटे होने का अधिकार दिया है। आप सेनाओं के यहोवा है, आप राजाओं के राजा हैं, आप परमेश्वर ऊंचे में विराजमान परमेश्वर हैं, लेकिन आपने यीशु मसीह हमें अपने बेटे बेटी होने का अधिकार दिया है। पिता परमेश्वर, इस समय हम कुछ समय यीशु मसीह उसको अंगीकार करेंगे, यीशु मसीह के आप सेनाओं के यहोवा हैं, और पिता परमेश्वर हम आपके सामने कुछ नहीं है, सिर्फ एक मनुष्य है जो सिर्फ आपकी आराधना करने के लिए बना है। इस गीत को हम गाएंगे, ओ मेरे खुदा। ओ
सेनाओं का यहोवा न्याय करता है, सेनाओं का यहोवा शासन करता है। हालेलुया। ओ खुदावन्द तू महान है, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर। ओ दूतों संतों के साथ तेरी स्तुति हो, दूतों संतों के साथ तेरी स्तुति हो। हालेलुया। ओ सारी पृथ्वी के लोगों के साथ मिलकर तेरी स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ राजाओं के राजा परमपिता, हालेलुया, हालेलुया। अनादि काल से लेकर अनंत काल तक राज करने वाले, हालेलुया। ओ हमें बेहद प्यार करने वाले प्रभु यीशु, ओ क्षमा करने वाले परमेश्वर पिता, हालेलुया। तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, हालेलुया। हाँ प्रभु तू शक्तिशाली कार्य करता है, हाँ प्रभु तू बहुबल के काम करता है, हालेलुया। ओ प्रभु सारी पृथ्वी सारे आकाश तेरे हाथों में है परमपिता। ओ तू ही महान है, तू ही सर्वशक्तिमान है, तू ही महिमा के योग्य है, तू ही सच्चाई है, तू ही आदि है, तू ही अंत है मेरे परमेश्वर। तू ही हमारा उद्धार है, तू ही हमारी शांति है यहोवा। हालेलुया प्रभु तेरी स्तुति हो मेरे राजा। हे मेरे परमपिता परमेश्वर यीशु नासरी तेरी स्तुति हो प्यारे खुदावन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु धन्यवाद हो, प्रभु धन्यवाद हो, प्रभु धन्यवाद हो। आपकी प्रभु जी हस्ती के लिए धन्यवाद हो, आप जो हैं उसके लिए धन्यवाद हो प्रभु। हालेलुया प्रभु आप सर्वशक्तिमान, हालेलुया प्रभु अद्भुत कार्य करने वाले अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर हैं।
प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं और इस आराधना के समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। सुनने वालों को आशीष दे, आराधना प्रभु जिन्होंने सच्चे मन से की है उन्हें तेरी बरकत दे प्यारे परमेश्वर पिता, और खुदावंत बाकी के सत्संग में तेरा आत्मा हमारी अगुवाई करे, यीशु के नाम में आमीन। आप सबको जय मसीह की। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस समय लॉकडाउन की वजह से हम सत्संग में नहीं आ पा रहे हैं और हमारे होम ग्रुप नहीं हो पा रहे हैं, बहुत से लोग नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन ये समय ऐसा नहीं है कि हम प्रभु में दूर हो जाएं, बल्कि हमें और प्रभु के और करीब आना है, प्रभु के वचन में और बढ़ना है और एक दूसरे को इनकरेज करना है, उत्साहित करना है। तो हम सब जो है हर संडे को 6 बजे तो मिलते हैं आराधना वचन के लिए, सत्संग के लिए, लेकिन साप्ताहिक प्रार्थना के लिए बुधवार को आप मिल सकते हैं और शुक्रवार को शाम को 7 बजे जूम के माध्यम से हम सब जो है बाइबल स्टडी करेंगे और ये हिंदी में होगा। आप सब जो खाना बनाना हर चीज़ विधि है इसको आगे पीछे थोड़ा सा कर लीजिए और इस समय अपने आप को कम से कम 40 मिनट के लिए अपने आप को पूरा परिवार फ्री हो और साथ में बैठें, जूम ऐप के माध्यम से हम सब प्रभु के वचन को गहराई से समझेंगे और उससे सीखने को मिलेगा। और जो लोग जूम ऐप को नहीं इस्तेमाल कर पाते हैं उनको उदास होने की ज़रूरत नहीं, उनको निराश नहीं होना है कि वो परमेश्वर के वचन में नहीं बढ़ सकते। अगले दिन तक के वही बाइबल स्टडी सेम जो फ्राइडे के दिन शाम को 7 बजे होगी शुक्रवार को, वो यूट्यूब पर भी अवेलेबल होगी, तो आप सब यूट्यूब पर भी उसे बैठ के देख सकते हैं। धन्यवाद। और दूसरी सूचना ये है कि आप अपने अपने घरों में जो भी आपका दशवांश है, जो भेंट चढ़ावा है, जो भी आप प्रभु के लिए देना चाहते हैं, आप उसको अपने घर में एक डब्बे में डाल के रखें, हर हफ्ते उसमें डालते रहें और जब भी हम मिलेंगे आप उस समय इसको एक साथ आप सब लोग डाल कलीसिया में आके आप दे सकते हैं। आप बैंक में भी इसको भेज सकते हैं, जो लोग बैंक ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, और बैंक की जो डिटेल्स हैं वो हम व्हाट्सएप ग्रुप वाइनस कनेक्ट पे हम डाल देंगे। आप वहाँ से बैंक डिटेल्स लेकर अगर आप बैंक में अपना दशवांश डालना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है आपके पास ये सुविधा या नहीं कर सकते हैं तो आप अपने घर में अपने दशवांश को, अपनी भेंट को रखें और हम जब भी मिलेंगे आपसे तब आप कलीसिया में इसको आप भेंट प्रभु के चरणों में आप कर सकते हैं। ओके, यही है। और तीसरा अंतिम सूचना, केवल आप लोगों को मुझे एनकरेज करना है कि आप बाइबल को पढ़ें। आप अगर पुराने नियम में हैं तो जहाँ पे आपने पढ़ना बंद किया था पढ़ना शुरू करें, अन्यथा आप नए नियम से आप बाइबल को पढ़ना शुरू करें और नियमित रूप से बाइबल को आप अध्याय अध्याय करके आप इस प्रकार प्रतिदिन बाइबल को पढ़िए ताकि परमेश्वर के वचन से हम बुद्धिमान बनते हैं और पाप से बचते हैं और परमेश्वर को जानते हैं और धार्मिकता के रास्ते पर हम चल सकते हैं। तो बाइबल ज़रूर पढ़ें। और अगर आपको हमसे संपर्क करना है तो आप कॉल कर सकते हैं हमें, हमारे नंबर आप सबके पास हैं, कॉल करें हमें और हमसे बात करें। और अगर आपको हमारी मदद चाहिए तो आप हमसे बात करें, खुल के प्रार्थना चाहिए, फ़ोन पे बात करते रहें और परमेश्वर के भय में चलें। कलीसिया, मुझे बहुत चिंता है आप लोगों की। मैं और सपना हर रोज़ सत्संग के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं और बस मैं आपसे यही विनती करता हूँ, परमेश्वर के भय में चलें और अपने विश्वास में कमज़ोर नहीं होना, अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में आगे बढ़ना है, पारिवारिक प्रार्थना में आगे बढ़ना है, परमेश्वर के वचन को पढ़ने में आगे बढ़ना है और अपने विश्वास में मजबूत रहना है। प्रार्थना का जीवन आप लोगों का बना रहे। परमेश्वर आप सब लोगों से प्रेम करता है और परमेश्वर की योजनाओं के लिए हम प्रभु के डर भय में होकर के देखते रहें कि परमेश्वर संसार में क्या कर रहा है और परमेश्वर के राज्य बढ़ने के लिए हम प्रार्थना करते रहें। प्रभु आप सब लोगों को आशीष दे। धन्यवाद। जय मसीह की आप सबको। आज हम इस समय परमेश्वर का वचन सुनने जा रहे हैं और मैं चाहता हूं कि आप सब इस समय अपने अपने हाथों को चेक करो, आपके हाथों में इस समय क्या है। अगर आपके हाथों में इस समय बाइबल नहीं है तो मैं चाहता हूं कि आप अपनी बाइबल को अपने पास रखें, मरकुस 1 में खोलें ताकि परमेश्वर के वचन से आप देख सकें खुद और परमेश्वर के वचन का आप सम्मान करें। जब प्रवचन सुना जाता है, जब हम वचन सुनते हैं तो हमें अपनी बाइबल को हमेशा खोल के अपने पास रखना चाहिए और साथ साथ में हमें पढ़ना चाहिए अगर हम हिंदी पढ़ सकते हैं तो। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब आज का वचन बड़े ध्यान से सुने और वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता, इस आज के वचन के द्वारा हम सब ये जान पाएँ कि अगर हम सच्चे मसीही हैं तो हमारी ज़िंदगी में पश्चाताप कितना ज़रूरी है। हमें से बहुत हैं जो
पश्चाताप का सही अर्थ भी नहीं जानते होंगे। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज के वचन से हम सचमुच इस विषय के बारे में सीख सकें और हम सच्चे पश्चाताप करने वाले लोग बन सकें, ताकि हम सच्चे मसीही तेरी नज़र में बन पाएं। प्रभु, जो हमें नहीं आता आज हमें सिखा, और शैतान की हर एक ताकत जो आपका वचन सुनने के लिए हमें रोकती है, हम उसे यीशु मसीह के नाम से अपने जीवन से निकालते हैं, नकारते हैं और ख़त्म करते हैं। मदद कर, सहायता कर पवित्र आत्मा, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। पिछले हफ्ते हमने मरकुस रचित सुसमाचार में से हमने परमेश्वर के वचन को हमने देखना शुरू किया था, और मरकुस रचित सुसमाचार में हम कुछ एक हफ्ते हम इसमें बिताएंगे, और हम परमेश्वर के वचन में से प्रभु यीशु मसीह को और गहराई से हम जानने की हम कोशिश करेंगे। वचन का मकसद यही है कि हम प्रभु को जान सकें। वचन का मकसद ज्ञानी बनना नहीं है, वचन का मकसद और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ वचन का एक ही लक्ष्य है, हम यीशु मसीह को जान सकें। तो पिछले हफ्ते हमने मरकुस पहला अध्याय 1 से लेकर 15 वचन तक देखा, और हमने 5 बातें प्रभु यीशु मसीह के बारे में उस खंड में से हमने नोट की थी कि प्रभु यीशु मसीह का अगर हम अनुसरण करते हैं, अगर हम यीशु मसीह को फॉलो करते हैं तो क्यों करते हैं, व्हाई डू वी फॉलो जीसस। पहली बात जो हमने देखी थी कि प्रभु यीशु मसीह एक दुविधा में पड़ी हुई, खोई हुई, दुखों से भरी हुई और पाप में गिरी हुई दुनिया के लिए खुशखबरी हैं। प्रभु यीशु मसीह गुड न्यूज़ हैं। दूसरा, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तीसरा, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, प्रभु है, यीशु मसीह प्रभु है। चौथी बात हमने देखी थी जिसको हम मरकुस के 2:10 में भी देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पाप क्षमा करता है। और अंतिम बात, यीशु मसीह हमें पवित्र आत्मा देता है। ये 5 कारण हैं जो मरकुस 1 में से मुख्य रूप से हम देखते हैं कि हम यीशु मसीह का अनुसरण क्यों करते हैं। यीशु मसीह खुशखबरी है, परमेश्वर का पुत्र है, यीशु मसीह प्रभु है, वो पाप क्षमा करता है, वो पवित्र आत्मा देता है। ये कारण है कि हम यीशु मसीह का अनुसरण करते हैं, हम यीशु मसीह को फॉलो करते हैं। मेरी कामना है कि इन 5 कारणों से जो आपने पिछले हफ्ते सुना, मेरी उम्मीद है कि आप सब लोग सचमुच में आप मान चुके हैं कि यीशु मसीह को ही हमें फॉलो करना है, यीशु मसीह का ही हमें अनुसरण करना है। हम किसी नेता के फैंस नहीं हैं, हम किसी नेता को फॉलो नहीं करते, हम किसी सोशल जो एक बहुत किसी बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता के हम उसको फॉलो नहीं करते, हम किसी बहुत बड़े पास्टर के बहुत बड़े प्रचारक को हम या बहुत बड़े मसीही किसी क्रिश्चियन लीडर को हम फॉलो नहीं करते, हम किसी अच्छे गीत गाने वाले को फॉलो नहीं करते, हम किसी मनुष्य को फॉलो नहीं करते, हम यीशु को फॉलो करते हैं और यीशु मसीह प्रभु है, हम यीशु मसीह को फॉलो करते हैं। ध्यान रहे, यीशु मसीह का नाम सब नामों से ऊंचा नाम है, पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है, लिखा है कि आसमान के नीचे धरती के ऊपर यीशु नाम को छोड़ कोई और नाम नहीं दिया गया कि जिससे मनुष्य उद्धार पा सके। पवित्र बाइबल में ऐसा साफ साफ लिखा है कि हर एक चीज प्रभु यीशु मसीह ने बनाई और अपनी महिमा के लिए बनाई है। पवित्र बाइबल में ऐसा साफ साफ लिखा है कि यीशु मसीह के नाम को सबसे ऊंचा नाम दिया गया है, ताकि यीशु मसीह के सामने हर एक घुटना टिक जाए और हर एक जबान अंगीकार करे कि यीशु मसीह परमेश्वर है। हम यीशु मसीह को फॉलो करते हैं। अब अगला सवाल यह उठता है कि अगर हमें यीशु मसीह को फॉलो करना चाहिए तो यीशु मसीह को फॉलो करने के लिए, यीशु मसीह का अनुसरण करने के लिए हमें क्या करना होगा, किस प्रकार हम यीशु मसीह के अनुयायी बन सकते हैं, किस प्रकार हम यीशु मसीह के भक्त, यीशु मसीह के शिष्य, यीशु मसीह के लोग हम कैसे बन सकते हैं। और इसका उत्तर हम मरकुस 1:14 में पाते हैं। मरकुस 1:14 में जब यीशु मसीह ने जब अपना प्रचार करना शुरू किया तो यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर का राज्य निकट है, तुम पश्चाताप करो और विश्वास करो। परमेश्वर का राज्य निकट है, प्रभु ने कहा, इसलिए तुम विश्वास करो और पश्चाताप करो। 2 बातें हैं, पश्चाताप करो और विश्वास करो। अगर मैं आप लोगों से पूछूं आप में से कितने लोग हैं जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो आप सब अपना हाथ उठाएंगे। अगर मेरा सवाल, ध्यान से सुनिए, अगर मेरा सवाल आपसे यह है कि आप में से कितने लोग हैं जो यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं, तो आप सब अपना हाथ उठा देंगे। लेकिन अगर मैं आप लोगों से यह पूछूं कि आप में से कितने लोगों ने पश्चाताप किया है, तो आप में से शायद कईयों को पश्चाताप का अर्थ भी पता नहीं होगा कि पश्चाताप होता क्या है।
यीशु मसीह ने कहा दो काम करने हैं, पश्चाताप करो और विश्वास करो। आप विश्वास तो करते हैं पर क्या आपने पश्चाताप किया है? ये आज का सवाल है, क्या आपने पश्चाताप किया है? अगर आप सच्चे विश्वासी हैं तो आप सच्चा पश्चाताप करेंगे। सच्चा विश्वासी सच्चा पश्चाताप अपने जीवन में प्रदर्शित करता है। प्रभु यीशु मसीह ने पश्चाताप पर विश्वास करने के लिए कहा। मरकुस 1:4 में हम देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने स्वयं इस बात पर भी जोर दिया कि हमें पश्चाताप करना है। क्या आपने पश्चाताप किया है? हम देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने मत्ती उसके 3:2 में कहा, लिखा है मत्ती 3:2 आपकी स्क्रीन पे आएगा, मत्ती 3:2, वह प्रचार करने लगा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। मन फिराओ, पश्चाताप का अर्थ है मन फिराना। पश्चाताप करो, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। आज हमारे लिए आज के दिन ये अच्छा समय है कि हम बाइबल में से सीखें कि पश्चाताप का अर्थ क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपेंटेंस, रिपेंटेंस पश्चाताप का अर्थ क्या है? सच्चाई ये है भाइयों बहनों कि आज दुनिया में बहुत से ऐसे मसीही लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया है बट पश्चाताप नहीं किया। विश्वास किया है यीशु मसीह पर बट पश्चाताप नहीं किया। अगर आप मरकुस 1:4 में देखें तो आप ध्यान से इस बात को नोट करें कि उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पश्चाताप का बपतिस्मा देते हुए आया। कौन सा बपतिस्मा? पश्चाताप का बपतिस्मा। हम सब ने पानी का बपतिस्मा तो लिया है, हम सब ने पानी का बपतिस्मा लिया है, लेकिन क्या हमने पश्चाताप का बपतिस्मा लिया है? अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए। बपतिस्मा जो शब्द है उसका मतलब, उसका ये अर्थ है पानी में डूब जाना, मतलब पानी में डूब के बपतिस्मा लेना, मतलब पानी में पूरी तरह से भीग जाना, मतलब हमारे चारों तरफ पानी है। बपतिस्मा का अर्थ ये होता है, बपतिस्मा इस तरह लिया जाता है, हम जब पानी के नीचे चले जाते हैं हमारे चारों तरफ पानी है, मतलब हम इमर्स हो चुके हैं, पूरी तरह से डूब चुके हैं पानी के अंदर। तो आप सब पानी में तो डूब चुके थे, हम डूब चुके थे, पानी में डूबने वाला बपतिस्मा तो हमने लिया, बट क्या हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार हम पानी में डूब चुके थे उसी प्रकार हम पश्चाताप में डूब चुके हैं? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने पश्चाताप के बपतिस्मे के बारे में कहा, क्या आपने पश्चाताप का बपतिस्मा लिया है? कहने का मतलब, क्या आप पश्चाताप से भरे हैं? क्या आप सचमुच पश्चाताप कर चुके हैं? क्या आपके चारों तरफ पश्चाताप का माहौल है? क्या आपका दिल पश्चाताप से भरा है? क्या आपने पश्चाताप किया है? सोच के देखिए, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने पश्चाताप का बपतिस्मा के बारे में प्रचार किया, पश्चाताप के बारे में सिखाया। यीशु मसीह के सेवा करने से पहले, अभी यीशु मसीह संसार में अपनी सेवा यीशु मसीह ने शुरू भी नहीं करी थी जब यूहन्ना ने अपना प्रचार शुरू किया था, और यूहन्ना के प्रचार के रिस्पॉन्स में यूहन्ना ने प्रचार किया कि पश्चाताप करो, तो भीड़ों की भीड़ आती थी और पश्चाताप करती थी, अपने पाप कबूल करती थी और यूहन्ना का बपतिस्मा लेते थे। अगर यूहन्ना के प्रचार करने पर, जब यीशु मसीह ने प्रचार करना, सेवा करना, यीशु मसीह की मृत्यु, बलिदान और पुनरुत्थान अभी कुछ भी नहीं हुआ, अगर यूहन्ना के प्रचार करने पर लोग पश्चाताप कर रहे थे, तो सोचो आज आप और मैं तो प्रभु यीशु मसीह का प्रचार सुन चुके हैं, आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को देख चुके हैं, प्रभु यीशु मसीह जीवित हो चुका हम ये जानते हैं। अगर यीशु मसीह की सेवा करने से पहले वाले लोग पश्चाताप कर सकते हैं यूहन्ना के कहने पर, तो आपको और मुझे कितनी ज्यादा जरूरत है कि हम, कितना ज्यादा हमारे लिए ये हमारे दिल से आना चाहिए कि हम पश्चाताप करें। हाउ मच मोर शुड क्रिश्चियंस बैप्टाइज शुड हाउ मच मोर शुड क्रिश्चियंस रिपेंट। कितना ज्यादा जरूरत है कि विश्वासी लोग पश्चाताप करें। हम पूरी सच्चाई को जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अब हम जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया है, क्रूस पर अपनी जान दी है, ये भी हम जानते हैं। तो सोचो कितना ज्यादा आपका और मेरा जीवन पश्चाताप से भरा हुआ होना चाहिए।
तो सवाल ये उठता है कि पश्चाताप हमारे लिए बहुत जरूरी है, और अगर पश्चाताप हमारे लिए इतना अनिवार्य है तो कैसे करें पश्चाताप, कैसा दिखता है पश्चाताप, कैसा नजर आता है, उसके बारे में आज हम सीखेंगे। पश्चाताप के विषय में मेरे पास 7 पॉइंट हैं, फटाफट हम इन 7 पॉइंट्स को देखेंगे। पहली बात, सच्चा पश्चाताप अपनी पापी व्यथा पर दुख मनाने से शुरू होता है। सच्चा पश्चाताप अपनी पापी व्यथा पर, अपने पाप में व्यथा पर, अपनी पापी कंडीशन पर दुख मनाने से शुरू होता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मत्ती उसके 5:4 में प्रभु ने कहा, धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि परमेश्वर उन्हें सांत्वना देगा। धन्य है वे जो शोक करते हैं। हम बहुत से संसारिक दुखों पर शोक करते हैं, कोई मर जाए तो शोक करते हैं, बीमारी पड़ जाए तो शोक करते हैं, हमें पैसों का नुकसान हो जाए तो हम शोक करते हैं, हमारा कोई मित्र हमें छोड़ के चला जाए तो हम शोक करते हैं। कितनी बार हम अपने पाप पर शोक करते हैं, अपने पापों पर शोक हमने कभी किया है? क्या हम अपने पापी दशा पर, पापी व्यथा पर, अपनी पाप में कंडीशन पर क्या हमने कभी शोक किया है कि मैं ऐसा क्यों हूं? पौलुस ने कहा, हाय मुझ पर, मुझसे घटिया कोई मनुष्य नहीं, वो कहता कि मुझसे बड़ा पापी कोई नहीं। कभी कभी हमने शोक किया है इस बात पर कि हम कितने बार बार पाप करने वाले लोग हैं, कि हम बार बार प्रभु को दुख पहुंचाते हैं, बार बार वही करते हैं जो नहीं करना चाहिए। धन्य है वे जो शोक मनाते हैं। सच्चा पश्चाताप करने वाला अपने पाप पर शोक मनाता है। क्या आपने अपने पाप पर शोक मनाया है? भजन 51:11 में जब दाऊद ने पाप किया तो वो बाद में जब वो परमेश्वर से जब प्रार्थना करता है तो कहता है, प्रभु मुझे अपनी उपस्थिति से दूर मत कर, प्रभु मुझे अपनी हजूरी से दूर मत कर। जब हम सच्चे दिल से अपने पाप पर शोक मनाते हैं ना, हमें इस बात पे डर लगता है कि प्रभु कहीं मैं तुझसे दूर ना हो जाऊं, प्रभु तू मुझसे अपने आप को दूर मत करना। प्रभु हम जब अपने पाप पर शोक मनाते हैं तो हम प्रभु के लिए तरसते हैं, हम तड़पते हैं, हम डरते हैं कि हम कहीं दूर ना हो जाएं परमेश्वर से। पाप का जो लक्ष्य है वो आपको परमेश्वर से दूर करना है। पाप का यही गोल है कि वो आपको परमेश्वर से दूर करे। क्या आप जानते हैं कि जब आप पाप करते हैं तो आपके और परमेश्वर के बीच में कुछ दूरी आ जाती है, और इसी दूरी से एक सच्चा विश्वासी डरता है कि कहीं मैं प्रभु से दूर ना हो जाऊं। इसलिए सच्चा पश्चाताप अपने पाप में व्यथा पर, अपनी पाप में कंडीशन पर, अपने पाप पर वो शोक करता है। सच्चा विश्वासी, सच्चा पश्चाताप ऐसा होता है। दूसरा, टू रिपेंट मीन्स टू एक्सेप्ट योर सिन एंड सीक फॉरगिवनेस। पश्चाताप करने का अर्थ है कि हम अपने पापों को मान लें और माफी मांगें। सच्चा पश्चाताप का अर्थ है हम अपने पाप को माने और माफी मांगे। पहला यूहन्ना उसके 1:9 में ऐसा लिखा है, यदि हम अपने पापों को स्वीकार कर लेते हैं तो हमारे पापों को क्षमा करने के लिए परमेश्वर विश्वसनीय है और न्यायपूर्ण है और समुचित है, तथा वह सभी पापों से हमें शुद्ध करता है। अगर हम अपने पापों को मानने को तैयार हैं तो परमेश्वर हमारे पापों को माफ करके हमें शुद्ध करने के लिए वो तैयार है। पर क्या हम अपने पापों को मानने के लिए तैयार हैं? भजन संहिता 32:5 में जब दाऊद ने पाप किया, उसके बाद ये भी उसका वही भजन है, जब दाऊद कहता है पाप करने के बाद उसने कहा, किंतु फिर मैंने यहोवा के सामने अपने सभी पापों को मानने का निश्चय कर लिया है। हे यहोवा, मैंने तुझे अपने पाप बता दिए, मैंने अपना कोई अपराध तुझसे नहीं छुपाया, और तूने मुझे मेरे पापों के लिए क्षमा कर दिया। देखिए, दाऊद ने पाप किया, बहुत घिनौना पाप किया था उसने, व्यभिचार किया, फिर उसने मर्डर कर दिया। लेकिन जब दाऊद परमेश्वर के पहले वो कहता है, प्रभु जब तक मैंने अपना पाप ना स्वीकारा मेरी हालत बहुत बेकार थी, मेरी हड्डियां गलने लगी, मेरा मन बहुत दुखी रहा, वो इस प्रकार कहता है। पर कहता है, प्रभु फिर मैंने फैसला किया कि मैं अपने पाप प्रभु से छुपाऊंगा नहीं, मैं अपने पाप मान लूंगा, और जब मैंने अपने पाप मान लिए प्रभु तूने मुझे माफ कर दिया। सच्चा पश्चाताप अपने पापों को मान लेता है और परमेश्वर से माफी मांगता है। तीसरी बात, सच्चा विश्वासी जब सच्चा पश्चाताप करता है तो जिस पाप के लिए उसने माफी मांगी है उस पाप को वो छोड़ भी देता है। दोबारा से बोलता हूं, सच्चा विश्वासी जब सच्चा पश्चाताप करता है तो जिस पाप के लिए उसने माफी मांगी है उस पाप को वो छोड़ भी देता है।
प्रभु यीशु मसीह के पास कुछ लोग एक महिला को लेकर के आए और वो महिला व्यभिचार में पकड़ी गई। प्रभु यीशु ने कहा कि और लोगों ने कहा कि इसको पत्थरों से मार दिया जाए क्योंकि ये हमारा कानून है। तो प्रभु ने कहा, उन लोगों से कहा, तुम में से जिसने कभी पाप नहीं किया वो पहले पत्थर मारे। वो जानते थे कि वो पापी हैं, व्यभिचार का पाप भले ना किया हो पर कुछ ना कुछ पाप तो किया है, इसलिए वो लोग अपना पत्थर छोड़कर चले गए। फिर प्रभु ने उस महिला से कहा, उस स्त्री से कहा कि स्त्री क्या तुझे किसी ने दोष नहीं दिया, तुझे किसी ने पत्थर नहीं मारा? उसने कहा, नहीं प्रभु। तो प्रभु ने कहा, मैं भी तुझ पर दोष नहीं लगाता, अब जा और दोबारा पाप मत करना। हम जब प्रभु के पास आते हैं, अपने पापों की माफी मांगते हैं, प्रभु हमेशा हमें माफ करता है, लेकिन साथ ही साथ प्रभु हमसे ये भी कहता है कि तुम दोबारा पाप मत करना, जैसे प्रभु ने उस महिला से कहा। नीति वचन उसके 28 के 13 में लिखा है कि जो अपने निजी पापों पर पर्दा डालता है वो कभी फलता फूलता नहीं है, किंतु जो निज दोषों को स्वीकार करता है और त्यागता भी है वो दया पाता है। जो अपने निज पापों को, अपने व्यक्तिगत पापों को, अपने पर्सनल पापों को जो मान लेता है और उसे छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी। बाइबल में ऐसा लिखा है। प्रभु यीशु मसीह ने एक बार 38 साल से एक आदमी बीमार था। प्रभु ने उस व्यक्ति को चंगा किया। उसके बाद प्रभु ने उसको कुछ समय के बाद प्रभु उस व्यक्ति को जिसको प्रभु ने चंगाई दी थी, प्रभु ने उसको मंदिर में पाया। जब प्रभु ने उसको मंदिर में देखा तो प्रभु ने कहा, देख तू कितना भला चंगा हो गया है। प्रभु ने कहा, इस वचन देखिए, यूहन्ना 5:14 में ये वचन लिखा है, इसके बाद यीशु ने उस व्यक्ति को मंदिर में देखा और उससे कहा, देखो अब तुम निरोग हो, इसलिए पाप करना बंद कर दो, नहीं तो कोई और बड़ा कष्ट तुम पर आ सकता है। फिर वो व्यक्ति वहां से चला गया। ये एक ऐसी बात है जिस पर कलीसिया में ज्यादा सिखाया नहीं जाता। हमें सिर्फ ये सिखाया जाता है, प्रभु ने आपके पाप माफ कर दिए, जाओ माफी का आनंद उठाओ। लेकिन प्रभु माफ करने के बाद भाइयों बहनों ये भी कहता है, पाप करना बंद करो, जैसे प्रभु ने उस व्यभिचार वाली महिला से कहा, और जैसे प्रभु ने इस 38 साल से जो व्यक्ति बीमार था, जैसे प्रभु ने इस व्यक्ति से कहा, देख तू भला चंगा हो गया है, लेकिन अब तू पाप करना बंद कर, वरना कुछ और बुरा भी तेरे साथ हो सकता है। मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि हमारे बहुत, मैं नहीं कहता कि ऐसा हर पाप में होगा, लेकिन हमारा कोई ना कोई पाप ऐसा हो सकता है जिससे हम अपने जीवन में आफत और मुसीबत को हम इनवाइट करते हैं। कोई ना कोई बड़ी मुसीबत, परेशानी, कोई संकट हम अपने पाप की वजह से अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपनी जिंदगी में हम खुद न्योता देते हैं। जैसे प्रभु ने कहा, पाप करना बंद कर दो, नहीं तो कोई और बड़ा दो कष्ट तुम पर आ सकता है। अगर हम सच्चा पश्चाताप करते हैं तो जिस पाप की हमने माफी मांगी हम उस पाप को करना भी छोड़ देंगे। हमें लगता है कि पाप करते रहो प्रभु माफ कर देगा, लेकिन हम भूल जाते हैं कि जब तक हम प्रभु से दोबारा माफी मांगेंगे उस पाप के लिए, तब तक बहुत बड़ा संकट हमारे जीवन में ऑलरेडी आ चुका है। हम मुसीबत को हम मोल खरीद चुके हैं, पाप किया, मजे किए, लेकिन साथ ही साथ उसका जो श्राप लेकर अपनी जिंदगी में हम आगे बढ़ते हैं। पाप हमें कभी भी सच्ची शांति और खुशी देने का लक्ष्य नहीं है। पाप का, पाप हमें नष्ट करना चाहता है। आप एक बात को ध्यान रखिए, इंसान जो बोता है वही काटता है। मसीही जीवन में जो निर्णय आप लेंगे वो निर्णयों का फल आपको जरूर भुगतना पड़ेगा। मसीही जीवन में भी, ध्यान से सुनिए, क्रिश्चियन लाइफ में भी आप जो फैसला लेंगे, आप जो डिसीजन लेंगे अपनी जिंदगी के बारे में, अपने पैसों के बारे में, अपनी कलीसिया में सेवा करने के बारे में, अपने समय के बारे में, अपने आत्मिक जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस प्रकार प्रभु में ग्रो करना है, आप जो जो निर्णय लेंगे अपनी जिंदगी में, उसका जो खामियाजा जरूर भुगतना पड़ेगा क्रिश्चियन लोगों को भी, हमें भी भुगतना पड़ेगा। देयर इज नो एस्केप रूट टू द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द चॉइसेस वी मेक। हम अपने जीवन में जो चुनाव करते हैं उसका जो नतीजा निकलेगा उससे हम कभी भाग नहीं सकते। मसीही लोग भी नहीं भाग सकते। कुछ समय पहले मैंने एक माता पिता से बात करी और मैंने कहा कि आपकी बेटी की उम्र बहुत छोटी है, आप इतनी 15 साल की उम्र में अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं एक ऐसे लड़के से जिसकी खुद उम्र बहुत छोटी है और जो ना कुछ कमाता करता, कुछ ढंग से कुछ नहीं है, आप गलत कर रहे हैं। विश्वासी लोग, प्रभु के लोग, मसीही लोग अपने सरकार के नियमों का पालन करते हैं।
सरकार का नियम है 18 साल के पहले लड़की की शादी नहीं करनी है, लेकिन सुनने को तैयार नहीं, मानने को तैयार नहीं, प्रभु में आ गए, लेकिन इन सब चीजों में क्यों दखलंदाजी कलीसिया कर रही है? इन सब चीजों के बारे में क्यों बाइबल हमको बोलती कि ये करो ये मत करो? तो हमने जाने दिया, आपको जो करना है करें, आपके बच्चे हैं, हमने आपको सही रास्ता दिखाना था, हमने दिखा दिया, नाउ इट्स अप टू यू, आपकी मर्जी है। पर आपने जो फैसला लिया, आप जो फैसला लेने जा रहे हैं, उसका नतीजा क्या निकलेगा, उसमें बाद में प्रार्थना करके प्रभु से दया मांगे तो प्रभु 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 भी हमें कितना दुख होगा परमेश्वर को कि हम कैसे मूर्खता के काम करते हैं। मैं इस बात को रिपीट करूंगा, हम अपने मसीही जीवन में जो भी निर्णय लेंगे, हमारे जीवन के हर क्षेत्र में उसका नतीजा हमें जरूर भुगतना पड़ेगा। इसलिए अगर हम सचमुच पश्चाताप करते हैं, अगर हम सच्चे विश्वासी हैं और अगर हमारा पश्चाताप सच्चा है, तो जिस पाप के लिए हमने परमेश्वर से माफी मांगी है, उस पाप को हम करना भी छोड़ देंगे। अगली बात, सच्चा पश्चाताप करने का अर्थ है पाप से नफरत करना। सच्चा पश्चाताप करने का अर्थ है पाप से नफरत करना, लेकिन हकीकत तो यह है कि बहुत से लोग हैं जो मन ही मन पाप से प्रेम करते हैं। भजन संहिता 66 के 18 में लिखा है, यदि मैं मन ही मन पाप से प्रीति रखता यहोवा तो तू मेरी क्यों सुनता। अगर मैं मन ही मन पाप से प्रेम करता, अगर मैं छुप छुप के पाप से बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, प्रभु तो तू मेरी क्यों सुनेगा। कलीसिया, आपके कौन से पाप हैं जिसको आप बहुत प्यार करते हो? व्हाट आर द सिंस दैट यू लव डूइंग? कौन से वो पाप हैं जिसको आप बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं? पवित्र आत्मा की मदद मांगे कि आप उन पापों को करना छोड़ दें। भजन नीति वचन उसके 8 के 13 में लिखा है, यहोवा का डरना पाप से घृणा करना है। यदि आप सचमुच यहोवा से डरते हैं, यदि आप सचमुच परमेश्वर से डरते हैं, तो आप पाप से नफरत करेंगे। भजन संहिता उसके 97 के 10 में इस प्रकार लिखा है, 97:10 में ऐसे लिखा है, जो लोग यहोवा से प्रेम रखते हैं वो पाप से घृणा करते हैं। जो लोग यहोवा से प्रेम करते हैं वो पाप से घृणा करते हैं। अगर आप यहोवा से, अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो आप पाप से नफरत करेंगे। रोमियो उसके 12:9 में लिखा है, तुम्हारा प्रेम सच्चा हो बुराई से घृणा करो। रोमियो 12:9, बुराई से घृणा करो। अब सवाल उठता है, विश्वासी लोग बुराइयों से घृणा कैसे करें? हाउ कैन क्रिश्चियंस हेट सिन? मैं एक आपके सामने इसका एक उत्तर देना चाहता हूं कि एक ही तरीका है कि एक विश्वासी पाप से घृणा कर सकता है, और वो ये है, बाइबल को पढ़ के, बाइबल को अपना जीवन साथी बना के। बाइबल के द्वारा एक विश्वासी अपना जीवन पाप से घृणा, अपने जीवन में पाप से नफरत कर सकता है। देखिए बाइबल में ऐसा लिखा है, भजन संहिता 119:114 में लिखा है, तेरी शिक्षाएं मुझे बुद्धिमान बनाती हैं, सो मैं झूठी बात से घृणा करता हूं। साफ है ना, कितना क्लियर लिखा हुआ है कि तेरी शिक्षाएं, मतलब बाइबल, तेरी शिक्षाएं मुझे बुद्धिमान बनाती हैं, सो मैं झूठी बातों से या गलत बातों से या पाप से घृणा करता हूं। जब हम बाइबल पढ़ेंगे तो हम परमेश्वर की बातों से प्रेम करने लगेंगे, और जिन बातों से परमेश्वर नफरत करता है हम भी उन बातों से नफरत करेंगे। डीएल मूडी ने ऐसा कहा, या तो बाइबल तुम्हें पाप से दूर रखेगी या पाप तुम्हें बाइबल से दूर रखेगा। फैसला आपको करना है, या तो बाइबल आपको पाप से दूर रखेगी या पाप आपको बाइबल से दूर रखेगा। सच्चा पश्चातापी, सच्चा विश्वासी जो सच्चा पश्चाताप करता है, पाप से नफरत करता है। पांचवी बात, सच्चा पश्चातापी पाप को, पाप से दूर रहने का हर संभव प्रयास करता है। सच्चा पश्चातापी, सच्चा विश्वासी जो सच्चा पश्चाताप करता है, वो पाप से बचने का हर संभव प्रयास करता है। मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे एक सच्ची बात बताई अपने जीवन के बारे में। वो दोस्त की उम्र मुझसे काफ़ी ज़्यादा है। वो दोस्त अपने 7-8 मित्रों के साथ, अपने कलीग्स के साथ, ऑफिस वालों के साथ अमेरिका में एक मीटिंग के लिए गया। कुछ दिनों की मीटिंग थी। पहला दिन मीटिंग ख़त्म हुई, सब अपने अपने कमरों में वापस होटल में आ गए।
वापस 6 बजे के आसपास होटल आने के बाद सब आदमी लोगों ने प्लान बनाया। ये अकेला विश्वासी है, बाकी लोग विश्वासी नहीं थे। सब आदमी लोगों ने प्लान बनाया कि हम पब में चलते हैं और वहाँ पर फिर हमें बाद में हम वेश्याओं को अपने अपने कमरों में ला सकते हैं। इस व्यक्ति के सामने चुनाव था कि इसको कोई नहीं देख रहा, इसकी बीवी बच्चे घर में हैं। ये चाहता तो उनके साथ जाकर के पब में शराब और ये सब गलत कामों को वो कर सकता था और फिर अपने वेश्या के साथ गलत संबंध बना सकता था, किसी को पता भी नहीं चलता था। ये था कि बस प्रभु देख रहा था। इसने चुनाव लिया, सबको मना कर दिया कि आप लोग जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। और ऐसा करने से इसने अपने जीवन में अपने चरित्र को मजबूत करने के लिए एक भारी ईंट को रख दिया। अपने चरित्र का निर्माण करने में उसने एक फैसला किया और वो ये था, पाप से दूर रहने का हर संभव प्रयास उसने किया। सच्चा विश्वासी जो सच्चा पश्चाताप करता है, पाप से बचने का हर संभव प्रयास करता है। हम अपने जीवन में अगर हम प्रभु के नज़दीक आना चाहते हैं तो हमें कठिन चुनाव करने होंगे, लेकिन वो कठिन चुनाव सचमुच कठिन होंगे, लेकिन वो कुछ समय के बाद हमें गहरा आत्मिक आनंद देने के लिए एक बहुत बड़ा निवेश के रूप में साबित होंगे। हम जब हर रोज एक एक करके हम जब पाप को नकारते हैं, मना करते हैं, हर रोज एक एक करके हर परिस्थिति में हम जब पाप से बचते हैं, तो हम एक प्रकार से अपने चरित्र का निर्माण करने के लिए हम उसमें बहुत बड़ा निवेश कर रहे होते हैं। अवॉइडिंग सिन वन बाय वन एवरी सिंगल डे इज अ प्रैक्टिकल रेसिपी फॉर कैरेक्टर डेवलपमेंट। एक सच्चा विश्वासी है ना भाइयों बहनों, वो अपनी जिंदगी में लगातार बार 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 पाप नहीं करेगा। मैं इस बात पे जोर देना चाहता हूं, सच्चा विश्वासी अपने जीवन में बार बार पाप नहीं करेगा। देखिए पहला यूहन्ना उसके 3:9 में क्या लिखा है, जो परमेश्वर की संतान बन गया पाप नहीं करता रहता, क्योंकि उसका बीज तो उसी में रहता है, सो वो पाप नहीं करता नहीं सो वह पाप करता नहीं रह सकता, क्योंकि वह परमेश्वर की संतान बन चुका है। दोबारा से सुनिए, जो परमेश्वर की संतान बन गया पाप नहीं करता रहता, क्योंकि परमेश्वर का बीज उसमें रहता है, सो वह पाप करता नहीं रह सकता, क्योंकि वह परमेश्वर की संतान बन चुका है। इसलिए आप अगर सच्चे विश्वासी हैं तो आपने सच्चा पश्चाताप करना है, और अगर आप सच्चा पश्चाताप करेंगे तो आप अपने जीवन में पाप से भागने का हर संभव प्रयास करेंगे। आप पाप से भागेंगे, आप पाप बार बार नहीं करेंगे। छठी बात, सच्चा विश्वासी जो सच्चा पश्चाताप करता है, भले लोगों की, परमेश्वर का भय मानने वाले लोगों की संगति में रहता है। सच्चा विश्वासी जो सच्चा पश्चाताप करता है, वह अपने जीवन में परमेश्वर का भय मानने वाले लोगों की संगति में रहता है। परमेश्वर में आने से पहले जो भी आपकी संगति थी, बुरी संगति थी, क्या आपने उस संगति को छोड़ दिया है? क्या आपने उन आदतों को छोड़ दिया है? क्या आपने उन दोस्तों और उन लोगों के साथ उठना बैठना क्या आपने छोड़ दिया है? भजन संहिता 1:1 में लिखा है, ध्यान से सुनिए, सचमुच वह जन धन्य होगा यदि वह दुष्टों की सलाह ना माने, और यदि वह किसी पापी के जैसा जीवन ना जिए, और यदि वह उन लोगों की संगति ना करे जो परमेश्वर की राह पर नहीं चलते। सच्चा विश्वासी बुरी संगति को छोड़ देता है और अच्छी संगति का हिस्सा बन जाता है। हमारे जीवन में हमें संगति का, सही संगति का चुनाव करना कितना जरूरी है। कई बार हम सोचते हैं कि हम अब तो हम प्रभु में हैं, हम मसीही हैं, चर्च जाते हैं, हमारे पाप क्षमा हो चुके हैं, तो अब मैं दूसरों को प्रभु के बारे में बताऊंगा तो मैं बिना ध्यान रखे बुरे लोगों की संगति में इतना पड़ जाता हूं कि मैं खुद उनके जैसा दोबारा से बन जाता हूं। ऐसा हो सकता है? लेकिन देखो बाइबल में क्या लिखा है, 1 कुरिन्थियों 15:33 में ऐसा लिखा है, धोखा ना खाओ, बुरी संगति से अच्छा चरित्र नष्ट हो जाता है। धोखा ना खाओ, बुरी संगति से अच्छा चरित्र नष्ट हो जाता है। अगर आप सच्चे विश्वासी हैं और अगर आपने सच्चा पश्चाताप किया है, तो आप भले लोगों की संगति में उठेंगे बैठेंगे, भले लोगों के साथ आप अपनी दोस्ती करेंगे, भले लोगों के साथ आप समय बिताएंगे। अंतिम बात, टू रिपेंट मीन्स टू बी कमिटेड टू डूइंग व्हाट इज राइट इन ऑल सर्कमस्टांसेस, अर्थात
सच्चा विश्वासी जब सच्चा पश्चाताप करता है तो वो हर परिस्थिति में सही काम करने के लिए प्रतिबद्ध रहता है। कमिटेड रहता है कि मैं हर परिस्थिति में सही काम करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, चाहे कोई उदाहरण के तौर पे, चाहे कोई भी हालात मेरे सामने आ जाए, मैं किसी भी हाल में झूठ नहीं बोलूंगा। उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं, ऐसे बहुत से बातें हो सकती हैं, लेकिन उदाहरण के तौर पे हम फैसला लेते हैं कि हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे, चाहे जो भी हो जाए, चाहे मेरा नुकसान हो, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। हर परिस्थिति में पत्नी को, बच्चों को, अपने सहकर्मी को, अपने पास्टर को, अपने चर्च के लोगों को, अपने बॉस को सच बोलूंगा, कभी झूठ नहीं बोलूंगा। इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं, चाहे जो हो जाए, मैं अपने आप को बचाने के लिए झूठ नहीं बोलूंगा। अगर हम हर परिस्थिति में सही काम करना चाहते हैं और करेंगे, तो इस प्रकार हम अपने चरित्र का निर्माण करेंगे। सही काम करना हर एक इंसान के लिए आसान नहीं होगा। यशाया उसके 1:17 में लिखा है, अच्छे काम करना सीखो, लर्न टू डू राइट। जो सही काम है ना, जो उचित काम होगा, वो हमें करना, हमें सीखना है। वो इतना आसान नहीं होगा, उसकी आदत डालनी इतनी आसान नहीं होगी। वी हैव टू लर्न इट, वो हमें सीखना है। और हमें अपने आप को अनुशासित करना है, हमें अपने आप के साथ कभी कठोर भी होना है, हमें अपने साथ थोड़ा कठोर होना पड़ेगा हमें अपने साथ, और परमेश्वर को परमिशन देनी पड़ेगी, पवित्र आत्मा को हमें न्योता देना पड़ेगा कि पवित्र आत्मा मुझे ताड़ना दे, पवित्र आत्मा मुझे सही रास्ता दिखा, पवित्र आत्मा जहां जब मैं गलत रास्ते पे चलता हूं तो मेरा हाथ मोड़, मुझे सही रास्ते पर लेकर के आ पवित्र आत्मा। अनुशासन बहुत जरूरी है, पवित्र आत्मा की और परमेश्वर की ताड़ना में झुक जाना बहुत जरूरी है, और जो कि आसान नहीं होगा। अंतिम वचन को देखिए, इब्रानियों 12:11 में आप इसे देखेंगे, जिस समय ताड़ना दी जा रही होती है उस समय ताड़ना अच्छी नहीं लगती बल्कि वह दुखद लगती है, किंतु कुछ भी हो, वे जो ताड़ना का अनुभव करते हैं, वो लोग जो ताड़ना का अनुभव करते हैं, उनके लिए यह आगे चलकर धार्मिकता और शांति का सुफल प्रदान करता है। जब ताड़ना हमारे ऊपर पड़ रही होती है, अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर हम ताड़ना के लिए अपने आप को समर्पण कर देते हैं, अगर हम अपने साथ कठोर होते हैं, अगर हम सचमुच सही काम को करने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं, अगर हम पवित्र आत्मा को हमें ताड़ना देने के लिए अनुमति देते हैं, तो लिखा है कि वह आगे चलकर हमारे अंदर धार्मिकता और शांति का सुफल प्रदान करता है। मसीही जीवन में फलवंत होने का अनुभव सबको नहीं मिलेगा, मिलना चाहिए, मिल सकता है, बट सबको नहीं मिलता, क्योंकि सब पवित्र आत्मा के चलाए नहीं चलते हैं। मैंने सचमुच अपनी जिंदगी में इस चीज को देखा है, अपने अंदर भी देखा है, कि वही जो प्रभु के साथ चलने के लिए समर्पित है, those who walk with God enjoy the godly life on earth, वो जो प्रभु के साथ चलते हैं, वो जो संसार में रहकर संसार से प्रेम नहीं करते, वो अपने जीवन में आत्मिक जीवन का, सच में परमेश्वर के साथ चलने का आनंद वो उठा लेते हैं। हमने पश्चाताप के विषय में 7 चीजें आज हमने देखी हैं, फटाफट मैं उनको आपको दोहराऊंगा। सबसे पहली बात, सच्चा पश्चाताप अपने पाप में व्यथा पर शोक मनाने से शुरू होता है। सच्चा पश्चाताप हमें अपना पाप मानकर माफी मांगने के लिए हमें प्रेरित करता है। सच्चा पश्चाताप हमें उस पाप को छोड़ने के लिए प्रेरित करता है जिस पाप के लिए हमने माफी मांगी है। सच्चा पश्चाताप हमें पाप से नफरत करवाता है। सच्चा पश्चाताप हमसे ये चाहता है कि हम पाप से भागने का हर संभव प्रयास करें। 6 बात, सच्चा पश्चाताप हमसे ये करवाता है कि हम भले लोगों की संगति में उठेंगे बैठेंगे। 7 बात और आखिरी बात, सच्चा पश्चाताप जब हम करते हैं तो हम हर परिस्थिति में सही काम करने के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं। भाइयों बहनों, हम सब अपने जीवन में हम बदलाव पाना चाहते हैं, है कि नहीं? क्या आप बदलना नहीं चाहते? क्या आप नया नहीं होना चाहते? क्या आप सचमुच नहीं चाहते, प्रभु मुझे नया कर,
आप में से कितने लोग मैं जानता हूँ आपने प्रार्थना की होगी, प्रभु मुझे नया कर, मैं जानता हूँ। लेकिन इस बात को ध्यान रखें जो आपकी स्क्रीन पे आएगा, रिपेंटेंस कम्स बिफोर रिन्यूअल, नवीनीकरण से पहले पश्चाताप आता है, नए होने से पहले हमारा पश्चाताप आता है, इससे पहले कि हम नए हो जाएं हमारा पश्चाताप जरूरी है। या फिर यूं कहें कि जैसे जैसे आप पश्चाताप करेंगे आप नए होते जाएंगे, जैसे जैसे आप पश्चाताप करेंगे आप नए होते जाएंगे। अब आप अपने आप से पूछें, आप प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी हैं केवल, या आप प्रभु यीशु मसीह के शिष्य हैं, प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं, आप प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करने वाले हैं। और अगर आप प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करते हैं तो आप ना केवल विश्वास करेंगे लेकिन पश्चाताप भी करेंगे। और सच्चा पश्चाताप कैसा होता है आज आपने सीख लिया है। पवित्र आत्मा आपकी और मेरी मदद करे कि हम हमारे जीवन में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न कर सकें, हम अपने जीवन में सच्चा पश्चाताप अनुभव कर सकें, और सच्चे पश्चाताप के जो अनगिनत लाभ हैं वो आप और मैं उठा सकें। हमारा पवित्र आत्मा आपकी मदद करे, आमीन। रास्ते से भटक जाता हूँ प्रभु, मैं जब गिर जाता हूँ रास्ते से भटक जाता हूँ, तेरा वचन संभाले मुझे, तेरा वचन संभाले मुझे, तेरी नजर बुलाए मुझे, तेरी नजर बुलाए मुझे, प्रभु मुझे सहायता दे, तेरा आत्मा दे, निर्बल हूँ मैं मुझे बल दे, तेरा आत्मा दे, प्रभु मुझे से तेरे ही काम हो, होठों पे तेरा ही नाम हो, हाथों से तेरे ही काम हो, तेरी सलीब निशाना मेरा, तेरी सलीब निशाना मेरा, तेरे कदम कदम ठिकाना मेरा, प्रभु मुझे सहायता दे, तेरा आत्मा निर्बल हूँ मैं मुझे बल दे, तेरा आत्मा दे, प्रभु मुझे अपना सर झुकाए रखें और हम प्रभु की आशीष प्राप्त करें। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह,
परमपिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ अब से लेके हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन।